जिनकी शादी होने वाली हो या जो खाना बनाने में रुचि रखती हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत काम की हैं। ध्यान से सुने और पढ़ें। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए ये बहुत ही न्यू टिप्स हैं, आप ज़रूर सुने। जिन्हें खाना बनाना पसंद है उनके लिए रसोई किसी पाठशाला से कम नहीं। यहाँ गलतियाँ होती रहती है और हम सीखते रहते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि क्यों हम अपनी माँ दादी नानी हाथ के जैसा स्वाद अपने खाने में नहीं ला पाते, या क्यों उनकी जितनी आसानी से किचन को नहीं संभाल पाते? क्योंकि उनके पीछे है उनका बरसों का अनुभव और इस अनुभव से निकले वो छोटे छोटे टिप्स जो शायद अभी तक हमें नहीं पता। इसीलिए इस आर्टिकल में हम आपको बता सकते हैं कि स्वादिष्ट खाना बनाने के कुछ ऐसे ही टिप्स साथ ही बताएंगे, जो ज़रूरी टिप्स भी है जो बड़े काम के और किचन में बना देंगे आपकी ज़िंदगी को आसान। तो आइए जानते हैं। तो पहला टिप्स है पराठा बनाने के लिए टिप्स। साधारण पराठों का अगर स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो एक उबले आलू को कसकर पराठों के आटे में मिला दें, इससे पराठा अधिक मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। दूसरा है, अक्सर हम पराठों को घी या तेल में सेकते, अगर पराठों को मक्खन में सेकेंगे तो स्वाद ज़्यादा आएगा। सब्जियां बनाने के टिप्स। किसी भी सब्जी की ग्रेवी तैयार करते वक्त उसमें थोड़ा सा सत्तू मिला दीजिए, इससे ग्रेवी में गाढ़ापन आएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर किसी भी सब्जी की ग्रेवी खट्टी लगने लगे तो उसमें चुटकी भर चीनी मिला दे, सब्जी का खट्टापन दूर हो जाएगा। कोई भी भरवां सब्जी बना रहे हैं तो मसाले में मूंगफली का चूरा मिला दे, इससे सब्जी का स्वाद और पोषक दोनों ही बढ़ जाएंगे। उसके बाद है, अगर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर को तल कर थोड़ी देर गर्म पानी में रख दें, इससे पनीर को बाद में ग्रेवी के साथ पकाएं, पनीर की सब्जी अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। इसके बाद है, अगर किसी रसदार सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाए गई है और स्वाद अधिक तीखा हो गया है तो उस सब्जी में मक्खन या घी मिला दें, इससे तीखापन, सब्जी का स्वाद तो वैसा ही रहेगा पर तीखापन कम हो जाएगा। इसके बाद है, अगर रसदार सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें डाल दें, इससे उसका सब्जी का खारापन कम हो जाएगा। आटे की जगह ब्रेड का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इसके बाद है, भिंडी की सब्जी का चिकनापन दूर करने के लिए नमक आखिर में डालें, इससे भिंडी का लसलसापन दूर हो जाएगा। अगर सब्जी बनाने के बाद नींबू भी मिला देंगे तो सब्जी की चिकनाहट खत्म हो जाएगी और सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। इसके बाद, अगर हरी सब्जियां बनाते वक्त उनका रंग उड़ जाता है तो ऐसी सब्जियों को 2 चम्मच दूध डालकर पकाएं, इससे सब्जी खिली खिली बनेगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि हरी सब्जी में मौजूद विटामिनों को बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा ढक्कन डालकर पकाएं, इससे सब्जी में पौष्टिकता बनी रहती है। इसके बाद है, उबालकर बनाई जाने वाली सब्जी का रंग उड़ने से बचाने के लिए सब्जी को उबालते वक्त उसमें चुटकी भर नमक डाल दें, सब्जी का रंग बना रहेगा और तथा बनने के बाद सब्जी अच्छी दिखेगी। इसके बाद है, किसी भी सब्जी की ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज, लहसुन, अदरक एवं भुने हुए बादाम को पीसकर पेस्ट तैयार करें, इस पेस्ट का उपयोग ग्रेवी में करने से सब्जी स्वादिष्ट लगती है और पौष्टिकता भी बरकरार रहती है। उसके बाद है, अगर स्वादिष्ट रायता बनाना चाहते हैं तो रायते में जीरा हींग भूनकर डालने की बजाय उसमें जीरे रायते का तड़का लगा दें, तो इससे स्वाद बढ़ जाती है।
अगर खास्ता पूरी बनाना चाहते हैं तो पूरी के आटे में एक चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूरी खास्ता बनेगी। साथ ही अगर आटे में एक चम्मच चीनी मिला दें तो पूरियां बेहतर तरीके से फूलेंगी। इसके बाद है चावल पकाते समय बर्तन में पानी और चावल के साथ नींबू का रस मिला दें। चावल का रंग अधिक सफ़ेद एवं खिला हुआ होगा और चावल टेस्टी भी बनेगी। इसके बाद है इडली जितनी मुलायम और स्पंजी होती है उसका स्वाद उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप नारियल पानी में ब्रेड और चीनी डालकर मिक्स करेंगे और फिर इसे इडली के घोल में मिलाएंगे तो खमीर अच्छा उठेगा। अगर जमावन न होने पर चलते दही नहीं जमा पा रहे हैं तो गुनगुने दूध में हरी मिर्च डालकर रख दें, इससे जमा दही जम जाएगा। इसके बाद है तंदूरी चपाती के आटे में दही मिलाने से चपाती सॉफ्ट और कुरकुरी बनती है। इसके अलावा पनीर का पानी भी उपयोग में ला सकते हैं। इडली या डोसा का घोल अगर खट्टा हो जाए तो उसमें नारियल का दूध मिला दें, खट्टापन खत्म हो जाएगा। रसोई में काम करना या खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है हम बेहतर होते जाते हैं, लेकिन आवश्यकता होती है तो उस काम में हमारी रुचि होने की। यदि हमारी रुचि रहेगी तो हर एक काम आसानी और अच्छी होगी। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।